इस वक्त की बड़ी खबर खनियाधाना से आ रही है, जहां खनियाधाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेडी चौराहे पर चेकिंग के दौरान दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 20 अवैध पिस्टल सहित 20 कारतूस का जखीरा बरामद किया है। साथ ही एक टैक्सी कार को भी जब्त किया गया है। पकड़े गए तस्कर का नाम गब्बर रंजक निवासी करेरा थाना क्षेत्र बताया जा रहा है। वहीं दूसरा आरोपी नीरज यादव, जो टैक्सी कार ड्राइवर है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं पुलिस पूछताछ में गब्बर रंजक ने बताया कि मैं भागीरथ शर्मा निवासी जयपुर के लिए कार्य करता हूं। वह मुझे कई बार अपने साथ खरगोन लेकर गया है। वहां से एक बार मैं 300 से 400 पिस्टल 315 बोर के कट्टे खरीदता है, एक ऑर्डर देकर राउंड बनवाता है। वहीं वहां से चोरी छिपे प्राइवेट वाहन से कभी कभी महिलाओं का सहारा लेकर निकलता है और जयपुर आकर टुकड़ों में अपने कुछ परिचित साथियों से हथियार भिन्न भिन्न जिलों में सप्लाई करता है। वह मुझसे और मेरे जैसे लोगों से ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर में सप्लाई करवाता है। ये 20 पिस्टल प्लस 20 राउंड जो है टीआई खनियाधाना धनंजय भदौरिया उनकी टीम ने बड़ी तत्परता से काम करते हुए रेड्डी चौराहे पर इसको गाड़ी को पकड़ा, एक गाड़ी को जिसको चेक करने पर ये सारे हथियार मिले हैं। और इसका जो लिंक है, ये जयपुर से आ रहे थे, जयपुर में इनके एक साथी हैं जिससे वो लेके झांसी आया, झांसी से बाय रोड जो है वो कार में आ रहा था और मेन रास्ते से नहीं होके दूसरे रास्ते से इसलिए आ रहा था कि वहाँ पे कहीं चेकिंग में पकड़ा नहीं जाए, लेकिन इनकी मुखबिर सूचना मिली और उसके आधार पर उन्होंने इसको पकड़ा है। और जिससे हथियार जो आप देख रहे हैं पिस्टल जो है ये बरामद हुआ है, जिसमें कि ये पिस्टल जो है बहुत ही अच्छे तकनीकी से बनाया गया है और ये सिकलीगढ़ गिरोह जो है खरगोन का, वो उसके द्वारा उसके हथियार को जयपुर वाले ने प्राप्त किया था। सर कितनी पिस्टल है? 20 पिस्टल है। इनकी रेट क्या? ये लगभग 35 से 50 हज़ार के बीच में ये बेचते हैं, जैसा इसने बताया लोगों को, और 14-15 हज़ार में खरीदते हैं वहाँ से। सर इन पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं? ये एक रिकॉर्ड इनके खिलाफ है जो आरोपी अभी यहाँ गिरफ्तार हुआ है करेरा थाने में, और जो आरोपी जयपुर में है उसके खिलाफ़ भी रिकॉर्ड है।